माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बीजेपी दफ्तर जयपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आप सुन रहे थे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिनकी तरफ से भरोसा दिया गया कि राजस्थान में अगले 5 साल के लिए कैसे लोगों के लिए वहां पर काम किया जाएगा। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर जयपुर से, जहां पर आपको मुख्यमंत्री जो नए हैं राजस्थान के वो दिखाई दे रहे हैं। वासुदेव देवनानी को आप देख लीजिए, स्पीकर इन्हें बनाया गया है। इनके अलावा दिया कुमारी भी आपको वहां पर दिखाई दे रही है, 2 डिप्टी CM और 1 मुख्यमंत्री। और इसी के साथ राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन संभालेगा सत्ता, ये साफ हो गया है। तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर तो देखिए, भजन लाल शर्मा का नाम वहां रखा गया था और सर्वसम्मति से उन्हें पास किया गया और वो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। तो किस तरीके से एक जमीनी कार्यकर्ता, जैसा कि उनके परिवार से हमारे सहयोगी न्यूज 18 के हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, राजस्थान में भजन लाल जी को और पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। काफी चौंकाने वाला नहीं, कोई चौंकाने वाला नहीं, पार्टी जो अच्छे फैसले करती है। और भजन लाल जी विधायक पहली बार है लेकिन संगठन में काफी समय से काम कर रहे हैं। सब पार्टी फैसला करती है, अच्छा फैसला है राजस्थान की जनता में, राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन, कार्यकर्ता को जगह दी गई। इससे बढ़िया कुछ नहीं, इससे बढ़िया इतना बढ़िया फैसला हो सकता है। तो ये केकड़ी से विधायक है शत्रुघ्न गौतम, कह रहे की पार्टी ने कार्यकर्ता का सम्मान किया। बिल्कुल भवानी, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरूर उत्साह भी होगा, न सिर्फ जो मुख्यमंत्री बने हैं या डिप्टी सीएम बने हैं बल्कि हर हर कार्यकर्ता में आज। इसके अलावा भवानी ये भी देखना होगा, 25 लोकसभा की सीटें और जिसमें से 18 सीटें मानी जाती हैं जहां पर जो सामान्य वर्ग है उसका दबदबा दिखता है और उसमें भी ब्राह्मण जो वोट बैंक होता है उसे हमेशा साधने की तमाम पार्टीज की तरफ से भी कोशिश की जाती रही है। इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव तो था लेकिन नजर लोकसभा चुनाव पर थी, उन 25 सीटों पर थी। देखिए कि बिल्कुल जाहिर तौर पर राजस्थान के अंदर देखिए कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य वर्ग, ये कोर वोट बैंक है। इसमें से क्योंकि पहले वसुंधरा राजे जी थी जिनको राजपूत की बेटी माना जाता था, भैरव सिंह शेखावत रह चुके थे, इसलिए पार्टी ने ये तय किया कि ब्राह्मण वर्ग जो क्योंकि पहले कभी कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता था, उसको साधने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके साथ में क्योंकि राजपूत वोट बैंक है उसको भी साधने की फिर कोशिश की है, इसलिए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। और दलित का लंबे समय से राजस्थान के अंदर ये चल रहा था कि क्या दलित चेहरा सीएम हो सकता है, जब अर्जुन राम मेघवाल का नाम चला था, अब डेप्यूटी सीएम का पद दिया गया प्रेमचंद बेरवा को। और तीनों
यंग है, तीनों दूसरी जनरेशन के नेता हैं, तो एक तरह से ये नई पीढ़ी को सत्ता का हस्तांतरण भी कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर यहाँ पर पहले वसुंधरा राजे लंबे वक्त तक रही, अब भजनलाल शर्मा के हाथ में कमान होगी और भजनलाल शर्मा के साथ में नई टीम जिसमें दिया कुमारी है, प्रेमचंद बेरवा है, वो टीम में वासुदेव देवनानी जो सीनियर विधायक है उनको स्पीकर बनाया गया। जैसा कि यहाँ पर आपने भी कहा, नेता को नहीं एक कार्यकर्ता को यहाँ पर मौका दिया गया, और जाहिर सी बात है मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी मंच से कुछ कहते हैं, कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हैं, तो वो यही कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाना उनके लिए सम्मानजनक है और कार्यकर्ता ही उनकी रीढ़ की हड्डी है। यही वजह है कि आज सब कह रहे हैं इस नाम के बाद कि नेता नहीं कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है। देखिए कि जब भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया था सांगानेर से, सांगानेर से अशोक लाहोटी बीजेपी के विधायक थे, उनका टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को दिया गया था, तब भी चर्चा काफी चली थी कि भजनलाल शर्मा को मौका दिया जा रहा, आखिर इसकी वजह क्या। अब आप देखिए कि लगातार यहाँ पर क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान हुई है, भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है, जो लोकतंत्र जो जिंदा अगर किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी। पहली बार विधायक चुने उनको ये बड़ा मौका दिया, निश्चित रूप से कार्यकर्ता के लिए बहुत सम्मान की बात है। युवा मोर्चे में हमारे साथ हुआ करते थे भजनलाल जी, मैं उस वक्त प्रदेश मंत्री था, ये जिले के अध्यक्ष थे, भरतपुर जिला अध्यक्ष। भजनलाल जी ने कभी इससे पहले चुनाव लड़ा था? नहीं, आज से पहले चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने, पहला चुनाव संगठन में काम किया है, लगातार संगठन में समर्पित भाव से काम किया है, तो एक संगठन में काम करने। भवानी, हम आपके पास वापस लौटेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी माँ ने क्या कुछ कहा है, कैसे खुशी जाहिर की है, ये सुनिए। बेटा भजन कर रही हूँ, भगवान की जय, धरती माता परमेश्वरी बसनी भगवान बढ़िए भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, जनता के बीच में देखो, जनता बीच में काम कर रहे हो, जो जनता चाहिए वो करे, सबकी समस्या में कहूँ। बहुत बहुत बधाई हो, जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी है मुख्यमंत्री की अब? किस क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है माता रानी का आशीर्वाद है। और भवानी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, भवानी परिवार को भी हम सुन रहे थे, भावुक वो बहुत ज्यादा हो गए और भावुक होने का क्षण भी, और माँ खास तौर पर जिन्होंने अपने बच्चे को हमेशा से देखा, लेकिन परिवार ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम सामने आ जाएगा। देखिए कि बिल्कुल ये उम्मीद किसी को नहीं थी, भजनलाल शर्मा का नाम चर्चा में भी नहीं था, और यही चौंकाने वाली बात जो लगातार हम कहते आ रहे थे कि जिन नामों की बात हम लगातार कर रहे हैं कि जरूरी नहीं उन नामों में से कोई नाम हो, अब जब ब्राह्मण वर्ग से हम सीपी जोशी की बात कर रहे थे लेकिन भजनलाल शर्मा को चुना गया, और पहली बार विधायक भजनलाल शर्मा के पास में प्रशासन का भी अनुभव नहीं लेकिन कार्यकर्ता को तरजीह दी गई, क्योंकि संगठन का लंबा अनुभव भजनलाल शर्मा के पास में, वो प्रदेश महामंत्री है लेकिन उससे पहले भी लगातार वो बड़े पदों पर है। अब तैयारी हो गई है, इस वक्त राज्यपाल के पास लौटेंगे आपके पास भवानी, और जाहिर सी बात है खुद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी सुनते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी भवानी बने हुए हमारे साथ। भवानी, यहां पर इस बात का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि जब भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया था तो कांग्रेस ने कैसे विरोध किया था कि ये तो एक बाहरी है, आप इनको मत जिताइए, लेकिन न सिर्फ वो जीत कर आए बल्कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, आप देखिए कि भजनलाल शर्मा इस वक्त, आप देखिए कि ये काफिला जा रहा है अब गवर्नर के यहाँ पर, और भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में अब निकल रहे हैं भजनलाल शर्मा, और यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ
दावा पेश करने के लिए जा रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री के यहाँ दावा पेश, मुख्यमंत्री का दावा राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री पद का दावा पेश किया जाएगा, उसके बाद में राज्यपाल तय कर, राजनाथ सिंह निकल रहे हैं आगे, राजनाथ सिंह निकल रहे हैं जी।